तो आ गया दोस्तों, आप लोग आइए फिर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपका बैंक ऑफ इंडिया में अगर अकाउंट है और नॉमिनेशन का फॉर्म भरना है और अगर नहीं भरा है तो भी भरना है, सुने ध्यान से सुन ले लगा। अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, आपके माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी किसी का भी है, तो बैंक में जाकर तुरंत चेक करिए, आज के आज एक हफ्ते के भीतर चेक करिए वीडियो देखने के बाद कि आपके अकाउंट में नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, नॉमिनेशन का नाम रजिस्टर करवाया है, नहीं करवाने से तकलीफ पड़ जाएगी। आप जरूर नॉमिनेशन जाकर करवाइए। आपको पता कैसे चलेगा है कि नहीं, आपको बैंक वाले ही बताएंगे, मैं नहीं बता सकता, ना आपको आपके माँ बाप भाई बहन बता सकते। आप बैंक की पासबुक लेकर जाइए, उनको बताइए मुझे चेक करना है नॉमिनेशन है या नहीं, नहीं है तो तुरंत फॉर्म भरिए। फॉर्म कैसे भरना है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, आपको बड़े आसान तरीके से बताऊँगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। फॉर्म भरते समय बिल्कुल भी तकलीफ आपको नहीं हो रही है, लेकिन आपका भी मकसद है किसी को भी तकलीफ नहीं हो, किसी को भी ना हो तकलीफ, उसके लिए होना क्या चाहिए। आप लोग वीडियो देखने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद शेयर करना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि हर किसी के पास पहुंच जाए और हर कोई अपना नॉमिनेशन करा सके, क्योंकि बार बार धक्के खाना अगर नॉमिनेशन नहीं है उसके बाद बहुत तकलीफ होती है, ये तो क्या बताएं। फिलहाल हम देखते हैं नया फॉर्म कैसे भरना है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ो, उससे पहले बता दूं चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी वाला बटन जरूर दबाना, जिससे कि सरकारी योजना और गवर्नमेंट स्कीम आपको सबसे पहले पता चलती रहे। तो ये देख रहे हो आपके सामने हल्का ब्लू कलर का ये फॉर्म होगा, बैंक में पड़ा होगा, कैसा फ्लू होगा, हल्का ब्लू डार्क ब्लू कलर का फॉर्म है ये, ब्लैक कलर से नहीं लिखा है, डार्क ब्लू कलर से ये फॉर्म छपा हुआ है। और नॉमिनेशन फॉर्म का नाम है नॉमिनेशन फॉर्म DA1। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका अपना नाम लिखना है, मैं मान लो मोहनलाल मुरारीलाल शर्मा, तो यहाँ लिखना है मोहनलाल मुरारीलाल शर्मा, जो अकाउंट होल्डर का नाम है, जो जिनके बैंक में अकाउंट है उनका नाम पूरा लिखना है, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के और पूरा पता लिखना है, पूरा पता वही लिखना है जो बैंक की पासबुक में है। क्लियर हो गया, एक लिटी पूरी हो गई, पूरी हो गई क्या, सब पूरी हो गई देख लीजिए। उसके बाद आइए यहाँ पे नेचर ऑफ डिपॉजिट, तो यहाँ पे आपका कैसा खाता है, सेविंग अकाउंट है तो सेविंग लिखिए। उसके बाद ये कॉलम डैश, ये भी डैश, यहाँ पर जिसको वारिसदार में रखना है, जिसको नॉमिनी रखना है उसका नाम रखिए। मान लो मोहनलाल मुरारीलाल शर्मा है, उसकी बीवी का नाम सीता देवी मोहनलाल शर्मा है, तो यहाँ पे लिखिए सीता देवी मोहनलाल शर्मा, और उसके बाद नीचे जो है पूरा एड्रेस सीता देवी का लिखिए। उसके बाद यहाँ पे लिखिए सीता देवी कौन है, तो सीता देवी उसकी पत्नी है, जितना कॉलम भरना उतना ही भरना है, बस पत्नी की उम्र कितनी है 25 साल, ये भर दिए, इधर डैश लगा दिए, बस ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। लेकिन एक चीज़ अभी भी बाकी है, क्या चीज़, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है, मोहनलाल मुरारीलाल शर्मा जो है वो सिग्नेचर करेंगे, डेट डालेंगे और अहमदाबाद या फैजाबाद या हैदराबाद जहाँ पे ब्रांच से खाता है वो लिखेंगे और यहाँ पे डेट डालेंगे। डेट डालना बहुत ही ज़रूरी है आपको कानूनी दावों पे से बचने के लिए और इधर उधर धक्के खाने से बचने के लिए दोस्तों। तो इस तरह से ये काफ़ी कुछ फॉर्म भरा जा सकता है बड़ी आसानी से, सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों।